आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की ये परिचर्चा, इसका दूसरा भाग जो आप आज जिसमें आप प्रतिभागिता करने जा रहे हैं, ये दूसरा भाग है। और इस चर्चा को, परिचर्चा को हम जो 5 भागों में पूरा करने का एक संकल्प है कि इसको हम 5 भागों में पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ये विषय इतना व्यापक और विस्तृत है कि बार बार पुनः पुनः विचार करने पर भी हम लोग इसका कोई ओर छोर नहीं पा पा रहे और स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि इसकी सीमाएं कितने हैं, इसके आयाम कितने हैं और इसका विस्तार और सूक्ष्मता कितनी है। और ये इतना सहज शब्द है, इतना स्वाभाविक सा ये शब्द है कि जहाँ हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि विचार तो हम करते ही हैं और उसमें हमें किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होता, लेकिन विचार के स्वरूप पे जब चर्चा करने लगते हैं तो हम सभी के लिए अपने आप में एक कठिनाई उपस्थित हो जाती है। तो एक सेकंड में स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ, हाँ, तो यहाँ हमारे लिए एक कठिनाई है जिन कठिनाइयों का जिक्र मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ और उस पे ही हम आज की ये चर्चा को केंद्रित करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका प्रथम भाग में हमने शास्त्रीय पक्ष से प्रयास किया था कि संस्कृत की जो परंपरा रही है उसमें विचार का स्वरूप क्या है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी परंपरा में और पश्चिम में किस तरह से विचार को परिभाषित करते हैं और किस तरह से इसको समझा जाता है या इसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं या इसका प्रशिक्षण क्या है, उन सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे जो प्रथम रिसोर्स पर्सन थे, मुख्य वक्ता, वो स्वास्थ्य के कारण अचानक उनका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ा गया है, तो इस वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। नहीं तो उनसे अपेक्षा थी, क्योंकि वो बाई प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर हैं और साइकेट्री में डील करते हैं और पर्टिकुलरली वो जो एडोलसेंट और चाइल्ड साइकेट्री है उससे डील करते हैं, जहां वो प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं कि विचार वो बच्चे कैसे करें। तो लेकिन जैसे ही वो स्वस्थ होंगे और हम पुनः उस विषय पे आएंगे, लेकिन वापस अपने विषय पे लौटते हुए, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बड़े स्थूल शब्दों में कि दो तीन प्रश्न आप लोगों के सामने ये रखे हुए हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और अगर छोटी दिखाई दे रही है तो उसको पिन करके एनलार्ज कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न वही है, विचार क्या है और विचार का सजातीय, विजातीय और स्वगत लक्षण क्या है। सजातीय का मतलब होता है कि उस जैसे लोगों से वो भिन्न कैसा है, उस जैसी वस्तुओं से या भावों से वो भिन्न कैसे है। विजातीय का मतलब है कि वो दूसरे प्रकार की वस्तुओं से कैसे भिन्न है, और स्वगत का मतलब है कि वो स्वयं में क्या है, कि उसके सेल्फ क्या है, कि वो थिंग इन इटसेल्फ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्वगत लक्षण। तो विचार जो है वो अपने आप में क्या है। और फिर इस विचार के 3 चीजें और हमें जाननी हैं और विचार उस पे करेंगे कि इसका विचार का धर्म परिणाम क्या होता है, कि जब आप विचार करना सीखते हैं तो उसमें परिवर्तन, जो धर्म परिवर्तन है, कि जैसे दूध का दही बन जाता है, ये एक धर्म परिवर्तन हो गया, उसमें अवस्था परिणाम भी क्या है और लक्षण परिणाम कैसे होते हैं। तो ये विचार को लेकर के हमारे आज के मुख्य प्रश्न है। अब इस विचार के बारे में बहुत संक्षेप में मैं जो पिछला जो हमारी परिचर्चा हुई थी उसमें हमने 3 पक्षों से इस विचार को समझने का प्रयास किया था कि धर्म शास्त्रों में जो जिन्हें आचार शास्त्र कहा जाता है उसमें विचार का स्वरूप क्या रहा है। फिर वेदांत, जिसे आप फिलोसफी समझते हैं, जिसमें बुद्धिज्म भी है, सांख्य भी है और बाकी सब दर्शन आते हैं, उनको तो कहा ही विचार शास्त्र जाता है। वेदांत विचार शास्त्र है, योग विचार शास्त्र है, सांख्य है, बुद्धिज्म है, ये सारे विचार शास्त्र।
उसके अतिरिक्त जो हमारा व्यवहार शास्त्र जिसमें पंचतंत्र, हितोपदेश और बाकी कथा कहानियां आती हैं, उस व्यवहार शास्त्र में भी विचार का बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके ऊपर हमने पिछली बार चर्चा की थी और कुछ बातें समझी थी। इसके साथ जो और हमारे जानने और समझने वाली बात है वो है कि क्या विचार का कोई समय और स्थान निश्चित होता है, या अपनी इच्छा से जब उसका मन करता है जहां पैदा होना होता है, जहां वो उसका आविर्भाव होना होता है, उन्मीलन होना होता है, उन्मेष होना होता है, वो अपने आप हो जाता है, या उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। फिर दूसरा जो पक्ष आपके और हमारे समझने वाला है आज की चर्चा में, कि विचार का प्रशिक्षण क्या दिया जा सकता है, कि विचार किया कैसे जाए, और उस या सहज विचार का स्वरूप क्या होता है, जैसे योगियों का सहज विचार, या हम जैसे अपने आप को मान लेते हैं कि हमें विचार करना आता ही है। और फिर ज्ञान के ये जो तीन पक्ष आप बीच में देख रहे हैं, एक और विचार पक्ष होता है, एक और भाषा है, और एक भाव, इनके आपसी संबंधों को भी हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे आज। और फिर साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि हम सामान्य भाषा में जिसे आप सोच कहते हैं, ख्याल कहते हैं, थॉट, थिंकिंग, आइडिया, इस तरह के कई सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। इसी विचार के भी तीन पक्ष और होते हैं जो गुणात्मकता पर आधारित हैं, कि कुछ विचारों को आप सात्विक मानते हैं, कुछ को राजसिक और तामसिक। मैं इनके उदाहरणों में नहीं जा रहा क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ ये बात रखना चाहता हूँ भूमिका के तौर पे, और उसके बाद मुख्य वक्ता जो हैं वो आप लोगों के साथ अगले 15 मिनट जो है इस विषय पे 15-20 मिनट इस विषय पे चर्चा करेंगे, प्रतिपादन करेंगे, और फिर ये हम खुली चर्चा जो है उस पे जाएंगे। इस विचार के संबंध में जो मुझे बाद में ध्यान आया, और उसमें इस बात को हम ध्यान दें कि चार प्रकार के प्रश्न विचार को लेके हो सकते हैं। चतुर्विध कोटियां होती हैं जिसका प्रशिक्षण भारतीय ज्ञान परंपरा में दिया जाता है, जिसमें से पहला तो है कि क्या विचार पर विचार करना चाहिए, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में देते हैं, कि क्या विचार पे विचार करना चाहिए कि नहीं, आप उत्तर हाँ ना में दे सकते हैं। दूसरा प्रतिप्रश्न होता है जहां पर जैसे आप प्रश्न करते हैं विचार का उपयोग क्या है, तो इसके प्रतिप्रश्न के रूप में आप उत्तर देते हैं कि क्या आपने विचार का उपयोग जीवन में करके देखा है या विचार का उपयोग करना सीखा है, तो दिस इज अ काउंटर क्वेश्चन। तीसरी तरह के असंगत प्रश्न होते हैं, ये तीसरी कैटेगरी है, जो उत्तर देने के योग्य नहीं होते, उनको उठा करके आप किनारे पे रख देते हैं, जैसे विचार करके करना क्या है। और चौथे तरह के जो प्रश्न होते हैं जिन्हें टेक्निकली विभज्य व्याकरणीय प्रश्न कहा जाता है, ये चौथी कैटेगरी है, उसमें है विचार का स्वरूप एवं उसके तत्व कौन कौन से हैं, और ऐसे प्रश्नों को जानने समझने के लिए आपको विस्तार पूर्वक तर्कसंगत रूप से उनके उत्तर प्रत्युत्तर देने होते हैं। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मेरे ध्यान में आई उसको आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद मुख्य वक्ता को मैं आमंत्रित करता हूं। देखिए, जैनिज्म में बड़ी एक खूबसूरत बात है और वाकई वो प्रशंसा के योग्य है, जैन दर्शन। उसमें स्यादवाद का जो सिद्धांत आप जानते हैं, सप्तभंगी नए अनेकांतवाद के नामों से जो जाना जाता है, जिसे सामान्य रूप से हम रिलेटिविटी के संदर्भ में समझते हैं, तो अगर उसको आप थॉट के ऊपर लागू करते हैं, तो थॉट के संदर्भ में देखते हैं, तो स्याद अस्थि उसमें 7 कैटेगरीज हैं। तो सार विचार को लेकर के इन 7 कैटेगरीज को आप देखिए, स्याद अस्थि मे बी इट इज, तो उसको हम थॉट पे देखें रिलेटिविटी, relatively a thought is real. Syad nasti, maybe it is not. Relatively a thought is unreal. ये मुझे लगता है कि इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया चर्चा आरंभ करने का कोई और जगह नहीं हो सकती। तीसरी जो कैटेगरी है, Syad asti nasti cha. Maybe it is and it is not. Relatively a thought is both real and unreal. चौथी चीज है स्याद अवक्तव्यम, मे बी इट इज इनडिस्क्राइबेबल, रिलेटिवली ए थॉट इज इनडिस्क्राइबेबल। पांचवी जो कैटेगरी है स्याद अस्ति च अवक्तव्यम, मे बी इट इज एंड इज इनडिस्क्राइबेबल, यानी कि रिलेटिवली ए थॉट इज रियल एंड इज इनडिस्क्राइबेबल टू। सिक्स्थ कैटेगरी में स्याद नास्ति अवक्तव्यम च,
मे बी इट इज नॉट एंड इज इनडिस्क्राइबेबल, यानी कि रिलेटिवली ए थॉट इज अनरियल एंड इनडिस्क्राइबेबल। और सातवीं कैटेगरी जो है वो है स्यादस्ति नास्तिच अवक्तव्यम, कि मे बी इट इज नॉट एंड इज इनडिस्क्राइबेबल, यानी कि रिलेटिवली ए थॉट इज रियल अनरियल एंड इनडिस्क्राइबेबल एट द सेम टाइम। अब ये इन सात पक्षों से, सात आयामों से जब आप विचार के ऊपर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि हम शायद कहीं पर उसके तत्वों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे और हमारी बुद्धि जो है वो विकसित होगी। और ये प्रश्न तो आप लोगों ने पिछली बार भी देखे थे और आप लोगों के साथ मैंने साझा भी किए थे कि आपका विचारों पे स्वयं का नियंत्रण कोई है या नहीं है, आप अपने विचारों को कमांड कर सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न है। लेकिन ये लेटर प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मैं। और ये कुछ एक थॉट्स हैं, कई वेस्टफुल थॉट होते हैं, नेगेटिव थॉट हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, बड़ी कैटेगरीज आप जो हैं उसको देखते हैं, जानते हैं, तो उसके विषय में मुझे अभी कोई चर्चा नहीं करनी है। तो आज की इस सारी चर्चा को प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी को, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी एंड हेड नालंदा कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी सेंटर बिहार शरीफ नालंदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कई दर्शन पे पुस्तकें लिखी हैं और बुद्धिज्म के ऊपर उनकी विशेषज्ञता है और वो बुद्धिज्म तो उनको जैसे हस्ता मलकवत स्पष्ट होता है, इस तरह से वो उसके आर पार वो देख सकते हैं, लेकिन बाकी पक्षों के भी वो चर्चा हमारे साथ करेंगे। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि लगभग अगले 15-20 मिनट, अधिकतम 20 मिनट में वो अपने जो है वक्तव्य से हमें परिचित कराएं और हमें दिशा निर्देश भी दें और हमारे ज्ञान का विस्तार भी करें। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर अविनाश श्री वास्तव जी। सर आपको जो मुझे लगता है जरा म्यूट कर लें, स्पीकर जो है ना, जो भी आपका डिवाइस है उसका स्पीकर ऑफ कर दीजिए, माइक और स्पीकर। हाँ नहीं सर, हाँ स्पीकर, स्पीकर को ऑफ करना होगा नीचे, जहाँ अगर आप लैपटॉप से जुड़े हैं, नहीं तो मोबाइल से जुड़े हैं तो मोबाइल के ऊपर टॉप से निशान आ रहा होगा स्पीकर का। ठीक, अब ठीक है। हाँ, सबों को समवेत नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट। हेलो जी जी स्पष्ट है, गड़बड़ा गया सर, आपकी आवाज स्पष्ट है। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट है, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। अरे क्या हो रहा, एक को ऑफ कर दीजिए सर, या एक से डिस्कनेक्ट कर लीजिए, इसको ऑन कर लीजिए जिसमें वीडियो आ रहा है। इस सर यहां माइक को ऑन कीजिए आप, सर यहां माइक को ऑन कीजिए अपने वीडियो वाले में। अब देख मेरी, दूसरे वाले को ऑफ कर दीजिए ना, दूसरे वाले से डिस्कनेक्ट कर दीजिए जो दूसरा आपने डिवाइस खोला हुआ है। हाँ, इसको ऑन कर लीजिए आप जिसमें आपका वीडियो आ रहा है सर, इसको ऑन करिए। हाँ जी, इसे हटा ही देता हूँ। हाँ जी, हाँ उसको या तो दूसरे कमरे में ले जाइए, नहीं तो वो परेशान करेगा। है नहीं ना, मैं उसी से बात करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है जी। सबों को समवेत नमस्कार और आपको विशेष रूप से धन्यवाद
कि आपने मुझे आमंत्रित किया। वस्तुतः विचार की अपरिहार्यता जितनी चर्चा आपने की है वह अपने आप में एक व्यापक विषय है और मैं बौद्ध धर्म के दृष्टि से इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः बौद्ध धर्म दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है, प्रैग्मेटिक दर्शन है और इस कारण ही ये बहुत सारी बातों पर विमर्श नहीं करता है। यह यथार्थ है कि भारतीय दर्शन में विचार विमर्श की जो पद्धति है और आवश्यकता है, अपरिहार्यता है, वो हर जगह परिलक्षित होती है। इस कारण ही कहा गया है वेद वादे वादे जायते तत्वबोध। जब हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हमें उसमें विचार विनिमय की अपेक्षा पड़ती है और बौद्ध दर्शन में भी प्राय यही बात है, लेकिन वो दूसरे प्रकार की बात करते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई है कि एक व्यक्ति को तीर लग जाता है और तीर लगने से वो बड़ा मर्माहत होने लगता है, उसके प्राण पखेरु होने की पूरी माने स्थिति बन जाती है। और तब वो डॉक्टर उसके पास आता है और पूछता है, तो डॉक्टर जब उसका वाण निकालने लगता है तो कहता है ठहर जाओ, इन वाण निकालने के पहले एक प्रश्न का कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो। यह वाण मुझे पूर्व से लगा कि पश्चिम से लगा, उत्तर से आया या दक्षिण से आया, ब्राह्मण ने मुझे मारने का प्रयास किया या क्षत्रिय ने वाण छोड़ा, वैश्य ने छोड़ा या शूद्र ने छोड़ा, और इस प्रकार के अनेक वितंडावादी प्रश्न उसके मस्तिष्क में आने लगते हैं जो उस व्यक्ति से पूछता है जो उसका उपचार करने आता है। बुद्ध ने कहा आज की स्थिति हमारी वही है और अगर इन सारे प्रश्नों पर हम अपना उत्तर देना आरंभ करेंगे तब तक उस व्यक्ति के प्राण पखेरु हो जाएंगे, वह जीवित नहीं बचेगा। इसलिए हमारा भी आवश्यक कार्य है कि उसके वाण को निकालें, उसका मरहम पट्टी करें और तब जाकर के उसके जान को बचाने का हम प्रयास करें। और यह जो है उनका प्रैग्मेटिक आउटलुक जो है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है, उनके विचारों की अपरिहार्यता को परिलक्षित करता है। वे कहते हैं हम तभी बोलें जब बोलना बहुत आवश्यक है, और इसलिए कभी अभी हाल में एक आमंत्रण मुझे मिला था राइट ऑफ स्पीच मैनेजमेंट, माने हम अपने स्पीच तो दें लेकिन इस प्रकार मैनेज करके दें कि हमारे अधिकार का भी प्रयोग कर लें और दूसरे का अधिकार का भी उल्लंघन ना हो। अभी अभी जो राजनीतिक या अन्य प्रवेशों में हम देखते हैं कि अनर्गल प्रलाप इतना हम करने लगते हैं कि हम मूल बिंदु से पृथक हो जाते हैं। वहां विचार विनिमय अपेक्षित अवश्य है लेकिन हमारा विचार भ्रामक होकर के इधर उधर भागने लगता है, उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जैसा अभी आशुतोष जी ने बताया था स्यादवाद की दृष्टि से कि किसी भी कथन के स्याद अस्ति वो है, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च स्याद अव्यक्तव्यम्। सात प्रकार से जो उसकी जो विवेचना हुई है और तब जो है हमें वही कथन करना है जो हम बोल सकें, जिसकी अपरिहार्यता हो, जिसका विचार विनिमय अपेक्षित हो, और अन्यथा बुद्ध का विचार की सुदृढ़ मान्यता है कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना पड़ता। और इस कारण ही बुद्ध के समक्ष भी 10 प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न था शास्त्रों को, क्या यह विश्व शाश्वत है? अशास्त्र को, क्या विश्व अशाश्वत है? अंत वालों को, क्या यह विश्व का विनष्ट हो जाएगा? अनंत वालों को, क्या विश्व अनादिकाल तक चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा? अयम जीवन अयम शरीरम, यह शरीर जो से यह जीव जो है संपर्कित है या असंपर्कित है? भिन्नम जीवम भिन्नम शरीरम, या यह शरीर से आत्मा अलग है या उससे जुड़ा हुआ नहीं है? उसके बाद प्रश्न आता है होती तथागतो परमं मरणं,
तथागत के मरने के बाद क्या होता है? उपस्थित रहते हैं, गायब हो जाते हैं, या दोनों स्थितियां बनी रहती है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, बुद्ध ने इन पर मौन धारण कर लिया था। जो उनके विचार के अपरिहार्यता और विचार की उपयोगिता पर जो है प्रकाश डालता है। और इन सारे प्रश्नों पर जब हम विवेचना करने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न ड्यूरेशन ऑफ द वर्ल्ड से है। कितने दिन तो वर्ल्ड माने ये विश्व जो है अनंत अनंत काल तक चलेगा या इसका नाश हो जाएगा, ये दो क्वेश्चंस हैं। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है कि विश्व का जो है विस्तार कितना है। छठा क्वेश्चन है कि क्या यह शरीर से आत्मा भिन्न है। सातवां है क्या शरीर से आत्मा अभिन्न है। और इस प्रकार वो 10 प्रकार के प्रश्न है, 7 से लेकर 10 प्रश्न है। वह लिबरेटेड सोल माने मुक्त अर्हत जो है मुक्त पुरुष, वे मरने के बाद जीवित रह माने उसकी आत्मा बनी रहती है, मरने के बाद वो संपूर्ण माने विलीन हो जाते हैं। और इस प्रकार वे 10 प्रश्न वहां भी पूछे गए। और भगवान बुद्ध इन 10 प्रश्न पर मौन रह जाया करते थे। उन्होंने कहा कि जब मौन से श्रेष्ठ हमारा विचार होता है तभी हमें बोलना चाहिए, अन्यथा हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। और हम इन प्रश्नों की विवेचना के क्रम में हम समझते हैं कि आज के आख्यान हम इसी पर देने का प्रयास करेंगे। पहला है, कुछ लोगों का क्योंकि बुद्ध जो है, एक मिनट क्या हो गया, बुद्ध जो है वो सर्वज्ञ हैं, वो इन सारी चीजों पर विचार कर सकते हैं और उनके मौन होने का अनेक प्रकार के कारण लगाए गए। अब वहां पर एक संजय वैलीपुट्ट नाम का एक जैन परिव्राजक था, उसने आत्मा संबंधी प्रश्न उसे नहीं पूछे थे कि बुद्ध के मरने के बाद क्या होता है, रहते हैं या न रहते हैं, और बुद्ध वहां पर मौन रह जाते हैं। तो संजय वैलीपुट्ट कहता है कि इसे आपका ज्ञान नहीं है, आप सर्वज्ञ होने का निरर्थक दावा करते हैं। तो वहां पर एक दीपक जल रहा था, उन्होंने दीपक को बुझा दिया और संजय से पूछते हैं, संजय ये दीपक जो जल रहा था इसकी लौ कहाँ गई, पूरब गई या पश्चिम गई, उत्तर गई या दक्षिण गई? और इस प्रकार 4-5 प्रश्न जब पूछते हैं तो वह कहते हैं ये तो निरर्थक प्रश्न है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी प्रश्न उसी प्रकार निरर्थक है, इसलिए श्रेयस्कर है कि इस प्रश्न का उत्तर न दिया जाए। और इस प्रकार के सारे कथन हमें बौद्ध दर्शन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वे तभी बात करते हैं जब उसकी आवश्यकता हो, और जब उसका आवश्यकता नहीं होती है तब उस पर विमर्श करने का वो प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म दर्शन में तत्वमीमांसीय चिंतन, आरंभिक बौद्ध दर्शन में तत्वमीमांसीय चिंतन विकसित ही नहीं हुआ। और इसी प्रकार अभी वो बोलते हैं नागार्जुन, चतुष्कोटि विनिर्मुक्त, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर 4 प्रकार की कोटियों से दे नहीं सकते हैं। जैसा उन्होंने कहा, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति च नास्ति च स्याद अव्यक्तव्यम्। हम इस प्रकार के 4 प्रकार के प्रश्नों में हम किसी भी विचार का विनिमय करने में असमर्थ हैं। इसीलिए नागार्जुन ने भी कहा है चतुष्कोटि विनिर्मुक्त, हम 4 प्रकार की कोटियों में विचार नहीं किया जा सकता है। लेकिन तथापि जहां पर आवश्यक विचार हो वहां पर हम अपने विचारों को प्रेषित कर सकते हैं, रख सकते हैं, और अगर नहीं रखेंगे तो फिर हमारे साथ असुविधाजनक स्थिति क्या हो जाएगी कि हम आवश्यक बिंदुओं पर अपना विचार करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए बुद्ध ने उन सारे बिंदुओं पर विचार करने का प्रयास किया है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो मानव के प्रैग्मेटिक नीड्स को पूरा करते हैं। और जब
अपनी यात्रा उन्होंने आरंभ की थी योग की, तो वहां पर दो प्रकार की बातें हुई, दो प्रकार के उन्हें गुरु मिले, एक आलार कलाम और दूसरे थे उदक कराम पुत्र। आलार कलाम और उदक कराम पुत्र दोनों ही इन्हें जब व्यवस्थित रूप से ज्ञान देने का प्रयास किया तो इनके मन में जो शंका होती थी मात्र उसी का वो फल पूछते थे। और एक समय ऐसा आया कि दोनों ने क्रमशः कहा कि इसके आगे की यात्रा तुम्हें स्वयं करनी है, क्योंकि हम प्रश्न पूछकर बहुत सारी चीजों की भ्रांतियां भी फैला सकते हैं और बहुत सारी चीजों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि वादे वादे जायते तत्वबोध, अपने विचार विनिमय के माध्यम से हम तत्वबोध भी कर सकते हैं, ज्ञानार्जन भी कर सकते हैं विज्ञान की। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं हमें राइट टू स्पीच मिलता जरूर है, हमारे गुप्ता जी यहाँ पर हैं, लेकिन राइट टू स्पीच का जो प्रयोग होना आरंभ होता है तो मैं बहुत सारी अनर्गल बातों को हम बोलने लगते हैं, जिसके कारण न मात्र भ्रम पैदा होता है बल्कि विद्वेष की भी स्थिति आ जाती है। और ऐसी स्थिति में अपेक्षित है कि हम मौन रखें या तभी बोलें जब चीजें रेलिवेंट हों। जिस प्रकार बुद्ध ने कहा कि आत्मा की जो आप अंत वालों को या अनंत वालों को, विश्व शाश्वत है या अशाश्वत है, इस पर हम चर्चा करके कर क्या सकते हैं, इसका व्यावहारिक लाभ क्या है। और ये सारे प्रश्न उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार एक व्यक्ति को वाण लग गया है और वाण लगने के पश्चात वो 15 प्रकार के प्रश्न पूछने लगता है। अगर उन समस्त प्रकार के प्रश्नों की का उत्तर देना आरंभ कर देंगे तो मैं समझता हूं कि उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे। इसलिए अपेक्षित है, विचार विनिमय अपेक्षित है, अपरिहार्य भी है, लेकिन हम उनके उत्तर देने में इतना सजग रहें कि मैं हमारा व्यवहारिक लाभ उससे नष्ट न हो जाए। ये उनकी मूल रूप से अपनी विशेषता रही है। और बुद्ध ने इस पर एक व्यापक जो है चर्चा हम लोगों ने किया है कि भाई बुद्ध का कथन, वो जबकि सबसे ज्यादा तो कथन उन्हीं का हुआ है, जहां गए हैं ब्राह्मणों के शास्त्र उनका शास्त्रार्थ हुआ है और उन्होंने उन समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उनसे ज्यादा आर्गुमेंटेटिव कोई व्यक्ति नहीं रहा है। लेकिन फिर भी वो कहते रहे हैं कि हमें जब भी विचार करना चाहिए तर्कसंगत विचार करना चाहिए, और विचार करने के पहले यह देखना चाहिए कि उसमें परस्पर विरोधी विचारों का समन्वय तो नहीं है। और हमारा विचार अपरिहार्य तब होता है जब हमें किसी समस्या का निराकरण होता है, चाहे वह समस्या भौतिक हो, वैचारिक हो या किसी प्रकार की अन्य प्रकार की संभावित समस्याएं। और इस प्रकार मैं समझता हूं कि बौद्ध धर्म दर्शन जो जिस प्रकार के कथन को आरंभ करता है, विचारों की विनिमय की बात करता है, वह आगे जा करके, क्योंकि वहां पर तो कोई कर्मकांड नहीं विकसित हो पाया, कोई तत्वमीमांसीय दृष्टि विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से मनुष्य को व्यवहारिक और पारमार्थिक रोगों का उपचार करने का प्रयास किया है। लेकिन कालांतर में वही बौद्ध धर्म दर्शन जो महायान की क्रिया में परिणत हो जाता है, तब उन्होंने कहा है मरने के समय महापरिनिब्बान सूक्त में कि आनंद मैं तो जा रहा हूं, और जाने के क्रम में मैं दो बातें कह देता हूं, मेरे जो टीचिंग्स हैं, मेरी जो शिक्षाएं हैं, वही तुम्हारा शिक्षक, और जब वह शिक्षक होगी तो उसके भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है कि वह शिक्षक जब तभी हो पाएगा जब उन कथनों का सम्यक विवेचन करोगे तब, और जब देखे, क्योंकि कोई भी कथन काल सापेक्ष होता है, व्यक्ति सापेक्ष होता है, दृष्टि सापेक्ष होता है, और काल आवश्यकता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के परिवर्तन के साथ विचारों में भी परिवर्तन आता चला जाता है, सब आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती चली जाती हैं कि जो हमारी भौतिक आवश्यकता बुद्ध काल में थी वह आज नहीं। लेकिन एक चीज आवश्यक है कि मनुष्य का समय और मनुष्य के दुख का निवारण की समस्या सनातन है, इस पर जो है विवेचन की अपेक्षा है, हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। और ऐसी अवस्था में बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि हमें अपने विचारों में और अपने नैतिक निर्णयों में हम
परिस्थिति के परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं, और वहीं से आरंभ होता है बौद्ध का वाचीय आचार शास्त्र। और वाचीय आचार शास्त्र इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि हमें उन्हीं शब्दों पर विचार करना चाहिए जो व्यवहारिक जीवन में अपेक्षित हों, और कभी कभी आज के परिप्रेक्ष्य में या महायान काल में जब उन्होंने देखा कि हमारा बौद्ध धर्म कर्मकांड विहीन, ईश्वर विहीन, पूजा पद्धति से विहीन, और वो धीरे धीरे वो क्षरण उसका होता जा रहा है, तब बुद्ध के निर्देशानुसार उन्होंने वहां पर भी विचार विनिमय की अपरिहार्यता दिखाई, और अनेक प्रकार के दर्शनों का अभ्युदय होता है, और वो दर्शन है महायान दर्शन। और महायान दर्शन में अनेक प्रकार के विचार उभर करके आते हैं, और जो कालांतर में जो सनातनी विचार थे, जो वैदिक परंपरा से चले आ रहे थे, और उसमें जो जड़ता आ गई थी, उसके निराकरण के लिए उन्होंने व्याकरण की स्थापना की, तर्कशास्त्र की स्थापना की, और तत्वमीमांसीय बिंदुओं को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और इस प्रकार वैचारिक अपरिहार्यता और उसका विश्लेषण हमें प्रारंभिक बौद्ध दर्शन में तो नहीं दृष्टिगत होता है, क्योंकि वहां पर भगवान मौन रह जाते हैं। वे कहते हैं कि मौन का स्वर ज्यादा मुखर होता है हमारी वाणी के स्वर से, और हमें तभी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जब मौन उसे अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाए। लेकिन कालांतर में हमारे जो महायानी होते हैं, नागार्जुन हुए, अश्वघोष हुए, और अनेक प्रकार के जो दार्शनिक उपस्थित होते हैं, उन सारे लोगों ने देखा कि जो हमारी हमारे धर्म को, हमारे दर्शन को विनष्ट करता जा रहा है, इसलिए उन्होंने फिर जो है विचार की अपरिहार्यता पर बल दिया, और अनेक प्रकार के दर्शन महायान के अंतर्गत आ गए, जिसमें नागार्जुन ने इसी 10 प्रश्नों में जो होती तथागतो परमंग मरणा, न होती तथागतो परमंग मरणा, होती च न होती तथागतो परमंग मरणा, और अंत है न एव होती न होती तथागतो परमंग मरणा, लिबरेटेड वन इज नाइदर एग्जिस्ट नॉर डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर देयर डेथ। और इस प्रकार की बात उन्होंने जो कही है, उसको कहा कि ये 4 कोटियों में हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, और इन 4 कोटियों से हम विनिर्मुक्त यानी इनसे मुक्त होकर के उस पर सम्यक विवेचना की अपेक्षा है। और बाद में विचार की अपरिहार्यता और विचार को आगे बढ़ाने की परंपरा महायान बौद्ध दर्शन में देखने को मिलता है। आरंभिक बौद्ध दर्शन में विचार तभी अब करना है जो बहुत व्यवहारिक दृष्टि से आप मने आवश्यक हो। मुझे स्मरण है एक कहानी उनकी कि एक महिला, बूढ़ी महिला रोते हुए उनके पास आती है और कहती है कि मेरे पुत्र का निधन हो गया है, तुम बुद्ध बड़े परम ज्ञानी हो, मुक्त पुरुष हो, तुम चाहो तो उसे जिंदा कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जान रहे हैं कि वह अज्ञान के विभूत होकर इन समस्त प्रकार के वचनों का उच्चारण कर रही है। उन्होंने कहा कि माँ तुम एक काम करो, 5 घर से सरसों लेकर के आ जाओ, मैं इसे जीवित कर दूंगा। शर्त यह है कि सरसों उस घर से लाना जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वो बूढ़ी माँ 7 दिनों तक चक्कर काटते रही, और तब मुझे पता चला कि मृत्यु अपरिहार्य है, और तब वो बुद्ध से कहती है कि अगर तुम कोई उत्तर हमें देते तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाता, तुम्हारा मौन, तुम्हारा, मैं बोलने में थोड़ा असमर्थ हो रहा हूँ, कोई बात नहीं करता, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप अपना थोड़ा पानी वानी थोड़ा सा लें ताकि स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब ने बुद्धिज्म की दृष्टि से, बौद्ध दर्शन की दृष्टि से हमारे साथ विचार की अपरिहार्यता के ऊपर चर्चा की है,
और हमें ये भी दिखाई देता है कि अपरिहार्य होने के बावजूद और इतनी लंबी परंपरा बुद्धिज्म की रही है, फिर भी वो विचार हमें आज भी वो अपर्याप्त लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया। बार बार उन विचारों के ऊपर पुनर्विचार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो विचार हमें पूरे नहीं पड़ रहे। तो उसके एक पक्ष को और समझने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी को, जो गीता की दृष्टि से आप लोगों के साथ इस विषय पे संक्षेप में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ उससे पूर्व डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ साइंसेस गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर आनंद घुरेई जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे साथी, श्री नरेंद्र दत्त जी, वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सब की भी बात हम बीच में सुनेंगे। तो रविंद्र जी, डॉक्टर। धन्यवाद आशुतोष जी। सर्वप्रथम मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर अविनाश जी का कि जिन्होंने विचार के अविनाशी स्वरूप को हमारे सम्मुख रखा है और हमें विचार करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण से उद्दीत किया है। जहाँ तक मेरा बड़ा एक स्पष्ट सीमितता है वो है मेरी भगवद गीता तक, दूसरे दर्शन का मेरे को ज्ञान नहीं है, इसलिए क्षमा चाहूंगा अपने सीमित ज्ञान के लिए पहले तो। हाँ, जहां तक भगवत गीता की बात है, मैं ये मानता हूं कि भगवत गीता केवल मात्र कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद नहीं है, वो पूरा का पूरा भगवत गीता एक विचार निर्माण की शास्त्र है। क्योंकि स्वयं यदि आप देखें, जैसे प्रोफेसर साहब ने जिक्र भी किया था, अमर्त्य सेन ने तो अपनी पुस्तक भी लिखी आर्गुमेंटेटिव इंडिया, जिसमें वो अर्जुन के तर्कों को सही ठहरा रहे हैं, वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन मेरा यहाँ मानना है कि यदि हम देखें, आम तौर पर एक भ्रांति है या अधूरा व्याख्या है भगवद गीता की, कि जो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि अर्जुन जो है सिर्फ अपने बंधु बांधवों को देखकर मोहित हो गया था, सम्मोहित हो गया था, इसलिए उसने युद्ध करने से मना किया। जबकि अर्जुन पहले अध्याय में केवल अपने सगे संबंधियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कुल धर्म की बात भी कर रहे हैं, वो युद्ध से कारण स्त्रियों की क्या स्थिति होगी उसकी बात भी कर रहे हैं, वो उसके बाद संतानों की बात भी कर रहे हैं, और उसके बाद वो यानी कि विचार विवेकहीनता की भी बात कर रहे हैं दुर्योधन के संदर्भ में। और इसलिए वो पहले अध्याय के 39वें श्लोक में कह रहे हैं कथम न गेयम स्वयं भी, क्या कह रहे हैं कृष्ण से कि हमें जो है कुल का नाश करने वाले से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। और उसके बाद वो अपने विचार के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और वो यहां तक कह देते हैं कि यदि मेरे कोई मेरे जो शत्रु हैं वो मार भी दें तो वो मेरे लिए हितकारक होगा। मेरा यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि जब व्यक्ति एक विचार रखता है तो वो संभावना बनी रहती है कि वो एक पक्षीय आधार पर जो उसके अपने निजी मूल्य होते हैं, निजी प्राथमिकताएं होती हैं, उसके कारण एक विचार पर पहुंच जाता है निष्कर्ष पर, उस पर दृढ़ हो जाता है। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा, विचार के लिए विचार विनिमय विमर्श आवश्यक है और भगवद गीता इस विचार विमर्श का ही उदाहरण है कि जहां पर अर्जुन प्रश्न जो कर रहे हैं वो वास्तव में विचारों एक समस्या प्रकार से हम अलग अलग दृष्टिकोण से हमें करना चाहिए इसका प्रमाण है। और इसीलिए आप देखें, जैसे कहा राइट टू स्पीच जिसको आजकल बड़ा चर्चा में है, उसमें आरोप है, लेकिन भगवद गीता में यदि आप देखें तो वहां पर तो स्पष्ट है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विचार विमर्श के द्वारा उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते, उनके संशयों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और लेकिन कहीं पर भी वो अपने विचारों को अर्जुन पर लादते नहीं है, इम्पोज नहीं करते हैं, थ्रस्ट नहीं करते हैं,
इसलिए 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि यह मैंने तेरे को ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। विचार करके वहां पर शब्द आया विमृश्य, विचार करो, यानी कि वो विचार को नहीं रोकते हैं। लेकिन एक और बात भी है कि कितने बार ये होता है कि हम विचार करते हुए इतना अधिक विचारों की उलझ जाते हैं कि जो हमें करना चाहिए, जो हमें लिए उचित है कार्य कर्म करना चाहिए, हम उससे भी विमुख हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे संशय दूर नहीं होते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे भी पूछते हैं कि क्या तूने मेरी बात को ध्यान से सुना, क्या तेरे सभी संशय दूर हुए या नहीं हुए। और फिर बाद में जब देखते हैं एक अंत में वो क्या कह देते हैं उसको अर्जुन को कि संपूर्ण इनका श्लोक नंबर 66 में 18वें अध्याय का, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इनके ये इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कृष्ण जो है अर्जुन को ये कह रहे तो सोचना बंद कर दे, बल्कि क्या कह रहे हैं कि उस कंफ्यूजन से निकाल रहे हैं कि जब हम विचारों की चक्र में इतना अधिक उड़े जाते हैं कि हम उस स्थिति में आ जाए जिसे हम कहते हैं ऑप्शन चॉइस इंग्लिश में, कि क्या करूं क्या ना करूं, और परिणाम क्या होता है कि चाहिए। भगवत गीता है, मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसा शास्त्र है जो विचार विचार विमर्श और उसके बाद अंत में जो है विचार के अनुरूप कार्य करने, क्योंकि यदि हम विचार को उसको कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे तो केवल कोरा विचार बनकर रह सकता है जो कि उचित नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता में ये मानता हूँ कि विचार स्वतंत्रता है, विचार विमर्श की पूरी प्रक्रिया है कि जिसमें प्रश्नकर्ता जो है वो केवल इसलिए नहीं प्रश्न कर रहा है कि वो जानना चाहता है, बल्कि वो एक मानवता के लिए क्या होना चाहिए, अल्टीमेट क्या होना चाहिए, इसके ओर इंगित करता है। तो ये भगवत गीता मेरे हिसाब से विचार निर्माण, विचार परिवर्तन और सबसे बड़ी बात मूल्य आधारित, जीवन मूल्यों पर आधारित विचार की जो उम्मीद होनी चाहिए, या आप कहिए कि जो शाश्वतता है, उसकी ओर संकेत करने वाला शास्त्र है। जी ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए, दो पक्ष हमारे सामने तो बिल्कुल स्पष्ट उभर कर आए हैं जिन्होंने विचार की अपरिहार्यता पे बात की है। विनाश जी ने बुद्धिज्म की दृष्टि से और गुप्ता जी ने जो है गीता की दृष्टि से ये सारी चर्चा अभी रखी है, लेकिन अभी इसके बहुत सारे और आयाम हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी आप में से अपनी बात रखना चाहते हैं संक्षेप में और सटीक रूप में अपनी बात हमारे साथ, विचार की अपरिहार्यता और अपर्याप्तता, ये भी जरूरी है कि इनसफिशिएंसी ऑफ थॉट। जी डॉक्टर आनंद सर, एक मिनट, मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरे को कोई बहुत जरूरी कार्य के लिए आज इससे आगे मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे, धन्यवाद। जी जी, कोई बात नहीं डॉक्टर जी। डॉक्टर आनंद गुरुई जी, उसके बाद डॉक्टर संजय शर्मा जी। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? बिकॉज़ आई एम, यस यस वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्लूइड एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस। पहली बात, हम लोग विचार को जो थॉट्स बोलते हैं, थॉट्स इज अ वेरी वेरी कन्वर्जेंट कॉन्सेप्ट कमिंग फ्रॉम ड्यूअलिस्टिक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, वेयर एज विचार इट्सेल्फ इज अ चार मूवमेंट। सो विचार इज टुगेदर विथ थॉट्स एंड डूइंग, दैट इज वॉट आई थिंक और दैट इज वॉट आई बिलीव इन, एंड दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ द थिंकिंग मैन द पर्सन दैट वी शुड बी हैविंग देयर इज हनुमान। ओके, नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ द थिंकिंग मैन, ही इज सिटिंग एंड थिंकिंग,
which is not what we perceive in Indian context. In Indian context, we want a thinker to be moving with his thoughts and doing what he's thinking about. And that is what Hanuman is. Now, interestingly, one more thing, that thinker, if you see the thinking statue itself, he has got impeccable muscles. Yes, yes. Sir. That means this person is very physical, which is from Greek and Roman mythology or Greek and Roman society, where the physical part was given utmost importance and only a very strong physical person could be allowed to think. So be it Socrates, be it Pythagoras, be it Aristotle, all of them were impeccably muscle-bound people and very physical people, which we do not see as when we think of thoughts as a thinker. Secondly, lastly, the one of the points that was made was if the vichar does not have a contemporary vyavaharik angle, then it should not be utilized, or that it should not be answered, or it should not be discussed. But what is vyavaharik and what is not vyavaharik, that we really do not know. For example, so many people question, चांद्रयान से जाने का क्या मतलब है जब यहाँ पे कितने लोगों को खाना नहीं मिलता. बट वॉट वी फेल टू अंडरस्टैंड इज बिकॉज वी आर गोइंग टू मून द साइंस इज इंप्रूविंग इवन द रिफिल्स दैट वी आर राइटिंग टूडे द स्मूथनेस ऑफ द रिफिल्स इंक्रीजेस बिकॉज वी आर यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज विच वी आर गेनिंग फ्रॉम चंद्रयान एंड टूडे ऑल्सो दैट वी आर एबल टू गेट मोर ग्रेन्स per acre of land is because of the scientific inventions which have been made possible by our going to the moon, going to the outer space and so on. So what is vyavaharik and what is not vyavaharik? It depends again on our buddhi. And that's why it should not be limited. Does not matter what, anything and everything needs to be discussed, because what is going to be useful or not useful, only the future can tell. That cannot be the sole criteria of thought, thinking. Yes. I do agree. And that is a wonderful observation that they give so much importance to physicality that the thought is dominated by that their muscle power. Here, you don't see any kind of muscle power and you start thinking by dhyan and yoga. And I really wonder what we must take care of this distinction between the savichara and nirvichara samadhi. These are the two aspects of samprakyat samadhi, savichara and nirvichara. So even yoga darshan also discusses these aspects, but we'll take it later on. Abhi aap mein se kaun apna prashna rakh raha tha? Alankriti Puri ji, please unmute yourself. Yes, Alankriti sir. Ji. About insufficiency of thoughts, I can just share my mind in English. I think insufficiency of thoughts, we should be very much thought provoked in today's times, because it's we should always, you know, try to think out of the box. And despite of giving it a thought, but we should not be like thinkers and philosophers type. And rather, we should be, you know, have a positive outlook towards life. And through yoga also, we can channelize our thought process and energy. And it could definitely give us a good and nurtured mind. And we should always try to inculcate all the positivity in life and all the positivity of thoughts. And there should never be insufficiency of thoughts. Rather, there should be high level of awareness in our lives so that we can just go ahead and, you know, keep up the brighter outlook. Thank you. Okay. So we are talking about from the perspective of utility of thoughts, how to solve the problems and keep solving the problems and innovatively.
So I think you are talking about in that context, innovative thinking is must for this in here. Innovative thinking is must. So the second aspect is the positive thinking. You are talking about it. But the insufficiency of thought is much more related to, I think, the language issue, because we don't have much command over our language. So the thought and the language, they are not very compatible with each other. Every time we have to explain what I mean to say, this is what I wanted to share with you. So this is how the problem gets multiplied. But anyway, that's a beautiful thing. We must take care of that. Dr. Sanjay ji, ji Avinash ji. When I gave a glance over the earlier, because I was listening very minutely these lectures and opinions of the speaker, one thing I found that the practical concern that emanates from human conditions have subsumed our ethical and philosophical temper of the day. As Professor Anand has said, what's the use of going to the moon and all these things? These are the these are the questions often raised, because when we are starving here and you are sending our planet on the moon. So these questions are also being raised here. Since ethics and ethics is a study of human behavior in ordinary business of life, so naturally it is related with the context, conduct, human conduct and social context as well. And one cannot be indifferent from the good and harmful consequences of his conduct. And in, it is the rational responsibility of the agent to think accordingly. So whenever we express ourselves, we must be very much conscious about what is proper, what is improper, and which is important to raise the questions and get the answer or give the answer. The problem is that the problem commensurate with our social political debates that includes in the applied ethics. So there must be a management of speech also, because we do have the right of speech, as has been said by the earlier speakers. We do have the right of speech, but we should not speak in a frivolous way. So there must be a management of speech in the political and the social framework. But when we come to the study of the knowledge, in the sphere of the knowledge, philosophy, science, we must have open, and we must accept that our opinion, our thought process must continue there. So we cannot refrain from all these things. And in that way, our speech, our vichar, vinamay, becomes inevitable, because if we set aside all these things, it is going to be harmful for the human life. I think it is very difficult to think sensibly. Yeah. everybody has a right to think, but thinking sensibly, it's very difficult, very, very difficult. The Buddha has said that we must have the madhyam marg. Samyak. Madhyam is the samyak marg. So what we speak, it should not cross two extents. One extent is you do not speak anything, you do not reflect on any problem. Okay. And second is you do not be frivolous and over speaking is again very harmful. We must be making our attempt. So that's why the madhyam marg, the middle path, is essential to have proper thought process and proper investigation of all the science, knowledge, and all the spheres of the life. So this vichar ki aparihariyata hai, vichar apikshit hai, lekin in do prakar ke jo hamare extremes hain, do prakar ke jo ati hain, unhein hatate huye, agar hum madhyam marg ka anusaran karte hain, we will be having in a nice place, and the proper thought may emerge. और अर्जुन की जो स्थिति थी,
जी उन दोनों प्रकार की स्थिति से बाधित था। एक तो वह खींचा जा रहा था अपने परिवार धर्म में, और दूसरी ओर खींचा जा रहा था वो क्षत्रिय धर्म में, क्योंकि हमारा कर्तव्य है क्षत्रियों का कि प्रोटेक्ट सौर्य तेजो धृतक्षण युद्ध चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभाव, जो तो क्षत्रिय धर्म से युद्ध करने को प्रेरित कर रहा था, और परिवार का धर्म उसे इन चारियों से विरत होने की प्रेरणा दे रहा था, और इसीलिए वो कहता है कार्पण्य दोषो निहत प्रहायं प्रक्षामित्व धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं इन दोनों प्रकार के कशमकश से इतना विमूढ़ हो चुका हूं कि क्या उचित है क्या अनुचित है मैं निर्णय करने में असमर्थ हूं, इसलिए हे धर्म सम्मूढ़ चेता यह बात आप ही बता सकते हैं, क्योंकि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं नहीं होता महाजनो ये नहीं था। तो ये बातें मुझे मैंने लगता है गीता जी, अब गीता के विषय में हमारे गुप्ता जी ने बड़ा अच्छा विचार दिया है, तो इस प्रकार हमें इन दोनों अतियों से बचना चाहिए, और बचते हुए जो सम्यक मार्ग हमारा है उसे हम अगर हम प्राप्त कर सके यह हमारे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि विचार उतने अपरिहार्य है, क्योंकि मौन में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन तब तक मौन अगर हमारा विचारों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होता है तभी हमारे शब्द प्रेषित होने चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद सर। डॉक्टर संजय जी, उसके बाद डॉक्टर प्रिया कुंडू जी, देन इंदु जी। डॉक्टर संजय जी आभार माननीय आशुतोष जी, आपने मुझे मौका दिया, और क्योंकि महा काफी विद्वानों की एक गोष्ठी है तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा इस विषय में नहीं पता, पर एक वैज्ञानिक होने के नाते कई बार विषय आता है कि ये सभी विचार जो बन रहे हैं सूक्ष्म में पहले से विद्यमान है, बड़ी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, लेकिन जब कान में पहुंचती है हमारे सेंसर की और हमारे शरीर उसको अडोप्ट करता है, उसके बाद में वो स्थूल विचार बनता है। हालांकि स्थूल विचार के बाद ये सारा जितना आपको दिखाई दे रहा जगत वो उसका प्रकटीकरण निर्माण आप लोग करते हैं। सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा, बहुत ही विविधतापूर्ण, लेकिन कुछ फंडामेंटल जो बेसिक प्रश्न जो मन में रहता है, क्योंकि मैं उसी तरह की बात कर रहा हूँ कि जैसे वातावरण जैसा है मेरे सेंसर ने वैसा ही विचार वैसा ही वाइब्रेशन पकड़ लिया और वैसा ही निकल गया है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ चारों तरफ देख के जी, किसको किसको क्या कहूँ, सम्यकता चाहता हूँ मैं, जो है मध्यम मार्ग चाहता हूँ कि मध्यम वातावरण होगा तो मध्यम मार्ग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब उसमें एक विषय सिंपल सा ही आता है मेरा जी, कि हालांकि इससे अलग विषय और उससे हटके थोड़ा सा है कि विद्वान बैठे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रश्न को चर्चा करके कुछ समझ। आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। चेहरा इसके दर्शन किए बगैर तो कैसे हम फिर विचार करेंगे जी। प्रश्न का जैसे जैसे बौद्ध, जैसे हमारे यहाँ महावीर पंथ है, जैन संप्रदाय है और बहुत सारे संप्रदाय हैं, कबीर पंथ है, अनेक प्रकार के संप्रदाय, क्या हम बौद्ध को भी अपने एक संप्रदाय की कैटेगरी में रख सकते हैं? पहला एक छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि धर्म के जो लक्षण है उसमें और उसकी परिस्थितियों में वो संप्रदाय की कैटेगरी में बैठता है या धर्म की कैटेगरी में, आप लोग समझ सकते हो, मतलब उसका चर्चा आप लोगों ने बताना है मुझे जी। दूसरा प्रश्न मेरा इसमें आता है, जैसे हम लोग राजा जनक को मुक्त अवस्था में कहते हैं, जीवन मुक्त है, ठीक है, तो उसका क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रहे थे वो? ये दो प्रश्न मन में आ रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि वक्ता विद्वान लोग इस पे कुछ थोड़ा बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, मैं वैसे अपेक्षा ये कर रहा था कि वैज्ञानिक विचार कैसे करते हैं, इंडक्टिव मेथड से, डिडक्टिव मेथड से, या और जो भी आप प्रयोग करते हैं, तो वो विचार की प्रक्रिया पे, लेकिन आपके प्रश्न जो हैं उनको हम उत्तर इनका बात मिलेंगे, क्योंकि अभी बाकी लोगों की बात भी सुन लें। मैडम इंदु शर्मा जी। हाँ सर, आपने वैज्ञानिक रूप से बताया तो प्रश्न आया, मैंने योगी आदित्यनाथ जी को भी सुना था, तो उसमें एक था कि ये प्रकृति उत्पत्ति हुई अणु से, तो अणु एक चेतना हो गया, ये तो खैर चेतना स्मृति और मन इनमें अभी तक तो तालमेल और विचार में इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, सभी विद्वान आत्माओं से मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन मुझे जो समझ में आया वैज्ञानिक रूप से कि ये अणु से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा और उसी से ये सब चला, तो
तो मेरा हिसाब तो ये है कि प्रकृति उत्पन्न जो मानते हैं वैज्ञानिक, वो अणु परमाणु और अणु ही मूल रूप से उसको उन्होंने आजकल तो शायद चेतना रूप में भी इसको स्वीकार किया है। मुझे नहीं पता, बहुत विश्लेषण में मैं नहीं गई हूँ, बस इतना ही मुझे आपने वैज्ञानिक बोला तो मेरे मन में भाव आ गया। मैं मेरी बारी आएगी जब बोलूंगी सर। जी जी ठीक है। मैडम प्रिया कुंडू जी, मैडम प्रिया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैडम प्रिया चलिए तब तक हम और ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी और आनंद जी ने दोबारा अपने हाथ उठाया है। हेलो आनंद जी क्या कहना जी। नरेंद्र जी मेरा तो इसमें ये कहना है जी कि विचारों को अगर हम एक सामान्य व्यक्ति के नजरिए से चर्चा करें या उस पर चिंतन करें तो दो तरह के विचार ध्यान में आते हैं कि भी सकारात्मक है और नकारात्मक है। अगर हम सकारात्मक विचारों की बात करते हैं तो वो तो सही है जी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जो मेरे मन में विचार आया वो ये है कि हमारा ये जो पूरा ग्रह है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से जो है वेव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम सबके मस्तिष्क जो है उसमें जो एक इलेक्ट्रिक पल्सेज है उसकी फ्रिक्वेंसी वो लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जैसे सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का असर जो सिगरेट नहीं पी रहा उस पर हो रहा है, तो जो नकारात्मक विचार है क्या उसका असर भी जो सकारात्मक विचार वाले हैं उन पर भी जा रहा है? तो इससे कैसे बचा जाए, ये इसका क्या तरीका हो सकता है? तो ये एक प्रश्न के रूप में ऐसा एक चिंतन आ रहा था कि भी इस तरह से कैसे जो है इसमें से। ये भी अच्छी बात है कि नकारात्मक विचारों से बचना कैसे है। डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी, डॉक्टर मनमोहन जी आप सर कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए अपने को। सर आप अनम्यूट नहीं हुए। चलिए मैडम विनय सिंगल आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, जी सर, विचार आपको भी तो है ना। सर इसका थोड़ा सा, जब ये विज्ञान की बात चल रही थी तो थोड़ा सा पढ़ रहे थे इसके बारे में, कल परसों से आपसे चर्चा करते हुए, कि संसार के सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलके बने हुए हैं और जितना परमाणु में तीन मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और ये पुरानी बातें हैं, पुरानी साइंस है। आज परमाणु में 12 मूल कण हैं, 12 टाइप ऑफ एटम्स माने जाते हैं, और उसमें सबसे सूक्ष्म जो है वो उसका नाम है न्यूट्रिनो, और उसकी तरंगे इतनी तेज हैं जो प्रकाश से भी ज्यादा मानी जाती हैं, और इसी तरह से कुछ किरणों के वेग जो हैं बहुत ज्यादा तेज हैं, जैसे एक्सरेज, गामा रेज और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिनकी अभी बात हुई है, रेडियो वेव्स। लेकिन विचार शक्ति की तरंगे कितनी सूक्ष्म होती हैं? विचार जो है, क्योंकि जितना सूक्ष्म होते चले जाएंगे, कोई भी चीज है संसार की, चाहे एटम है चाहे जो भी चीज है, वो जितने सूक्ष्म होते चले जाएंगे उनकी गति उतनी तीव्र होती चली जाएगी। और जो ये टेलीपैथी का जो हमारे आज का जो साइंस मानती है टेलीपैथी को, शायद हमारे देश में योगी जन जो है ना बहुत पुराने टाइम से यूज करते थे, प्रयोग करते थे, क्योंकि उनकी विचार शक्ति वो अपने योग और प्राणायाम के माध्यम से शायद बहुत उच्च कोटि की कर लेते थे, और वो किसी को भी प्रभावित करने में, इतनी शक्ति विचार की तरंगे इतनी तीव्र होती है कि वो किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम रही है। और इसको हम प्रत्यक्ष अनुभव, हमारी भारतीय मनीषा का प्रत्यक्ष अनुभव हम भारतीय संस्कृति में तो बिल्कुल साक्षात रूप से कर सकते हैं, जिसका आज प्रयोग पाश्चात्य संस्कृति में हम कहें कि टेलीपैथी डॉक्टर के माध्यम से हो रहा है या जो भी तरीके से हो रहा है। और दूसरी बात है विचारों का, जो विचार जो है वो रंग वाले भी होते हैं, क्रोध में आपके विचारों का रंग रेड है, आपकी शांति में आपके विचारों का रंग
व्हाइट है या आपके प्रेम में आपका विचारों का रंग ब्लू कलर का है, तो विचारों को एक सामान्य हम केवल विचार शब्द से विचार कह के इस पर विचार नहीं कर सकते, इनको इनकी एक बहुत बड़ी साइंस है। अगर हम एक ही बारे चीज के बारे में सोचते रहते हैं अपने दिमाग में मस्तिष्क में उस विचारों के कणों को बिठा लेते हैं तो शायद वो हमारी आदत बन जाती है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और अच्छे विचार, हम जैसे अभी सकारात्मक नकारात्मक विचारों की बात भी हो रही थी, तो हम कहें कि सकारात्मक विचार जो है हम उसे एक प्रकाश की तरह से देख सकते हैं। जब नकारात्मक विचार हमारे बार बार मन में उठते हैं, हमारे मन में अंधेरा है, तो हम सकारात्मक विचार आते ही वो जैसे सूर्य के आते ही प्रकाश से सारा अंधकार खत्म हो जाता है, तो नकारात्मक विचार उसी सेकंड खत्म हो जाते हैं। तो हमारा जो जीवन की प्रोग्रेस है, हमारा जो शायद डाउनफॉल है, जब हम उन्नति करते हैं, वो हमारे विचार पर भी निर्भर करती है। विचार कोई छोटी चीज नहीं है कि हम एक सामान्य की मैंने विचार किया, मैं विचार एक बहुत बड़ी साइंस है, तरंग है, रेज है, जो अपने भाव अपने मन में अपने मस्तिष्क में बड़ी सहजता से बड़ी सोच समझकर उठने देना चाहिए। ऐसा जब आपने ये सेमिनार रखा तो शायद इसके बारे में पढ़ते पढ़ते इतना कुछ समझ में आया कि लगा कि एक बहुत छोटी साइंस, ये एक बहुत बड़ी साइंस है जो आज हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इन सब के चारों तरफ घूम रहे हैं, उससे भी ज्यादा गहरी साइंस, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म साइंस विचारों की है, थॉट्स की है, जिसे कि हमें, क्योंकि यहीं से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। हाँ, वो एक 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 सूत्र याद आ रहा है जिसको संस्कृत में नहीं याद आ रहा, कि ईश्वर के मन में संकल्प उठा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये एक विचार था कि उनके मन में उठा, क्योंकि विचारों का स्थान मन है, हृदय में विचार उठता है और उसके बाद में ये क्रियाकलाप हो जाते हैं। तो एक से अनेक होने का विचार होना और उसके बाद सृष्टि की संरचना होना, तो विचार कोई छोटी साइंस नहीं है। शायद इस पर बहुत अधिक अभी शोध नहीं हुआ है या बहुत अधिक शोध होने की भी आवश्यकता है। तो ये मेरे मन में भाव था, ये सबके सामने प्रकट किया जाए। आपकी बात है ना, देखिए उनका उठा मैं एक लेकिन वो संकल्प है, विचार और संकल्प का भी भेद हमें समझना पड़ेगा। नंबर दो कि हम जो चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं वो है विचार का स्वरूप क्या बनता है, उसका तत्व क्या है, और हम जो हमारा अभी तक चल रही है बातचीत, उसमें ऐसा लग रहा है कि विचार जो है वो एक शक्ति के रूप में है, और शक्ति के रूप में आप इसको, जब हम मजाक में भी बात कहते हैं कि विचार भूतों की तरह होते हैं, जब चिपक जाते हैं तो वो अपना प्रभाव करवाए बिना छोड़ते नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि इस उम्र में जब आकर कोई एक विचार पकड़ लेता है हमें, तो हमारा बीपी जो है फ्लक्चुएट कर जाता है सबका। तो लेकिन ठीक है कि विचार कैसे हों वो अलग बात है, लेकिन विचार स्वयं में क्या है इसके ऊपर हम दोबारा केंद्रित होने की कोशिश करेंगे। तो मैडम इंदु के बाद मैडम इंदिरा और फिर जितेंद्र मीना जी, और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ प्रोफेसर जीवन आशा जी जुड़ी हुई हैं, तो अगर वो भी हमारे साथ बात करें तो अच्छा रहेगा। जी मैडम इंदु। थैंक यू सर। आज विचार का महत्व सुना आप सब विद्वान जनों से, विदुषी आत्माओं से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच्चे में बोलना कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अनावश्यक भी नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, और इसी से सब विवाद उत्पन्न होते हैं संसार में जो चल रहा है। मैंने थोड़ा सा कुछ अपनी भावनाएं लिखी थी विचारों पे, तो मैं जो सुबह से देख पाई हूँ वो तो विचार है। भारत एक बौद्धिक संपदा वाला क्षेत्र है जिसे आदि काल से ही विश्व गुरु कहते हैं, कहते हुए संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन किया। इस मार्गदर्शन का मूल तथ्य क्या था? विचार ही था, क्योंकि वो विचारवान था, साधारण मतलब सकारात्मक विचार, तभी संसार ने इसे स्वीकारा। यदि हम प्रकृति की उत्पत्ति से देखें तो ब्रह्मा के विचार से ही संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उसी से देव, ऋषि, वेद, चराचर जगत, फिर मतांतर संप्रदाय और उनसे उनके अपने अपने विचार का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के विचारों का आपस में विचार करते हुए तर्क, वितर्क, शास्त्र, परिषदों का निर्माण हुआ। यहाँ श्रेष्ठ बताने की और यहाँ श्रेष्ठ बताने की प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न हो गई, जो मैंने अब तक देखा है, क्योंकि श्रेष्ठ का ही वर्णन करना था, इसीलिए विवाद और तर्क वितर्क भी हुआ। इसलिए विचार का महत्व तो है ना।
और उसी से कोई सार्थक परिणाम निकलता है। जब तक विचार सार्थक सकारात्मक हो विचार करने योग्य है। लौकिक मतानुसार इसीलिए सार्थक विचार पर भी विचार करना ही चाहिए। जब ऐसे विचार सार्थक परिणाम होते हैं तब मठ संप्रदाय समाज जगत में स्थापित हो जाते हैं, जिससे परम तत्व परमात्मा को जानना आत्मसात करना योग क्रिया या तप द्वारा प्राप्त करना भी मान सकते हैं, जिससे सामान्य जन का आध्यात्मिक मानसिक और भौतिक सामाजिक विकास हो सके। और ये हम अपनी जिंदगी में ये सब भूले मिले हैं। हम भक्तिश्वर को पूछते हैं करते हैं, ये सब विचार का ही प्रादुर्भाव है, और जिससे हम अपने आत्मा को शुद्ध करके और ओरा क्लीन करते हैं। मनुष्य चेतनाशील प्राणी है, अतः सर्वथा अनुरूप स्वार्थ अनुरूप उसे स्वीकारता है। उसके नकारात्मक परिणाम वाले विचार मनुष्य नहीं स्वीकारता। भारतीय परंपरा में सर्वहित सर्व सुखा है और जीव कारुण्यम शांति प्रधान रही है। ये ऐसी ही अपनी परंपरा रही है, जीव कारुण्यम अपनी प्रधानता। हर धर्म का मूल यही है, यही रहे जीव कारुण्यम। एक पृथ्वी प्रकृति पत्थर वत्थर सब में उन्होंने आत्मा को माना है और गतिशील माना है। लेकिन जन सामान्य के लिए जीवन पद्धति में सार्थक सुविधा अनुरूप बनाना ही उद्देश्य रहा है इन विचारों का, कि ताकि वो सामान्य जन तरीके से रह सके, अपना जीवन यापन कर सके। उसी के फलस्वरूप वेद मीमांसा स्मृत्या दर्शन योग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें वैज्ञानिक रूप से ही प्रत्येक विचार का समावेश है। क्योंकि जैसे कि यदि हम स्वच्छता का यदि कोई स्मृति हमें ज्ञान देती है, उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी है, लेकिन हमारे जीवन पद्धति में कोई चीज हमें देती है कि हमें कैसे रहना चाहिए क्या करना चाहिए, जो अच्छी चीजें वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। और शिक्षा का रूप में यही मानती हूँ कि शिक्षा ने सभी धर्मों से खास खास चीजें लेकर और उसका एक अच्छा सकारात्मक रूप प्रदर्शित किया है। ये भी एक विचार और ज्ञान ही था। इसमें जो वर्तमान उपयोगिता नहीं है उसका उन्होंने त्याग कर दिया। और इसी रूप में ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये एक बहुत बड़ा गहन विषय हो गया, जिसमें प्रकृति आत्मा ब्रह्मा और सब चीजों को हम चिंतन करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। हम एटम तक पहुंच गए, अणु तक पहुंच गए, इसको जानते जानते और चीजों को मैनुफेस्ट करना भी सीख रहे हैं आजकल आधुनिक विज्ञान में। और अनावश्यक विचार भी अपने मनोवैज्ञानिक विकृति को बताते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। और ज्ञान मीमांसा का प्रादुर्भाव इतना रहा है कि मूल तथ्य ही खो जाता है। जो सामान्य आदमी जिसको ग्रहण करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाता है, वो भी मुझे कई बार ऐसा लगता है। और मूल्य मीमांसा में तो ये है जो अपना नीतिगत है, जो अपने जीवन में उपयोगी आ रही है और समाज के लिए उपयोगी है, वही मैं समझती हूँ सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा है मेरे विचार में। तो मैं यहाँ तक ही पहुंची हूँ। और ठीक है, एक बात का हमें एक जो पक्ष पे बात नहीं हुई, मैं उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर संजय जी उस विषय पे बात करेंगे या डॉक्टर आनंद जी भी बात करेंगे, कि विचारों को आप दवाइयों औषधियों के रूप से बंद कर सकते हैं और उन्हीं औषधियों के माध्यम से विचार को उत्तेजित भी कर सकते हैं। तो ये हमें एक पक्ष जो था वो ध्यान रखना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा एक जानकारी दे देता हूँ जी। आज से 6-7 वर्ष पहले दिल्ली में द ग्रैंड होटल के अंदर एक जो है विश्व वेद सम्मेलन हुआ था, और हमने विज्ञान में रमन इफेक्ट और ये सब तो पढ़ा है, लेकिन मैंने वहां पहली बारी जो है महर्षि महेश योगी जी का महेश इफेक्ट जो है वो पढ़ा सुना। उसमें उन्होंने ये बताया था कि वहाँ वैदिक सिटी में उन्होंने 1972-75 के दौरान में वहां कुछ प्रयोग किए, और वो प्रयोग इस प्रकार से थे कि कुल शहर की आबादी का 1% लोग 21 दिनों तक उन्होंने जो है वो पुरुषोक्त के पाठ किए थे, तो वहां पर जो है 16% लोगों का क्राइम रेट जो है वो घट गया था। मतलब वैचारिक जो एक ओरा बना उससे पॉजिटिविटी का वो हुआ, वो महर्षि इफेक्ट है। बाद में उन्होंने विस्तार से ये बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो किसी जमाने में, अब हमारा जो इस समय हमारी जो भौगोलिक संरचना है उसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन किसी समय यहाँ ज्योतिर्लिंग आज दुनिया के अलग अलग कोनों में मिलते हैं वो ऊर्जा के केंद्र हैं, तो वो 64 थे, फिर वो 48, 36 और इस प्रकार से 28, 22 जी जी 18 और फिर 12, इस क्रम में वो घटे गए। तो वो 12 ज्योतिर्लिंग है, अगर वहां पर शहरों को ऐसे ही 51 शक्तिपीठ जो है अगर वहां पर वो करेंगे तो 4 देशों को इफेक्ट करेगा, मतलब वो पूरे ग्रह का जो ओरा बनेगा
और जो धरती का केंद्र उज्जैन कहा गया है वहां पर अगर उनकी संख्या रहेगी उसका अनुपात और वो उन्होंने उसमें कैलकुलेट किया है वो बहुत बड़ा एक विषय है। ये भी मतलब मुझे लगा इसमें वैचारिक उससे कैसे वो पॉजिटिविटी बनेगी इस पर बड़ा विस्तार से उस पर हुआ, मैरिशि इफेक्ट के नाम से उस पर बड़ा काम हुआ है। जी चलिए ये भी अच्छी, ये भी जो है उसका एक जैसे आपने कहा कि औषधीय जगह जो है वो उसका जो है एक मांत्रिक जो उसका कह सकते हैं मंत्र होते हैं। राइट मैडम इंदिरा सुनैना जी और उसके बाद फिर हमारे सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। सभी गुणी जनों को नमस्कार। एक्चुअली आप लोगों ने तो इतने विद्वत्तापूर्ण विचार रखे हैं लेकिन मेरा छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन ये है क्योंकि हमारी ब्रेन जो है वो एक न्यूरल नेटवर्क है सर। जी जी बिल्कुल। तो इसमें एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वही फील्ड्स में प्रोसेस प्रोसीड करती हैं हमारे विचारों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए, जो कि एक्चुअली ब्रह्मांड में भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत ही यही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपोगेट करती हैं। यही न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन में भी है जो हमारे को विचार उत्पन्न करवाता है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो आदिकाल में ये इस पे पूरी एकदम महारत हासिल कर ली थी कि वो पॉजिटिव ऊर्जा को ही हमेशा समाहित करें अपने शरीर में, और जो महाभारत के या जो भगवत गीता के रूप में जो विचार आया कि अर्जुन जो है दो तरह के उपावेश में थे कि भाई वो पारिवारिक देखें कि वो देखें कि भाई मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, ये एक्चुअली कृष्ण जी ने अपने जो टेलीकाइनेसिस के रूप में उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से ही उनको ये दिखा दिया था कि अगर तुम नहीं लड़ोगे, मान लो कि अधर्म अगर आगे बढ़ता है तो क्या होगा, संसार का क्या होगा, ये उन्होंने फ्यूचर में जाके उनको थोड़ा दिखा दिया था विचारों के माध्यम से, टेलीकाइनेसिस से, अपने मेंटल पावर से उनके उनके मस्तिष्क को जोड़कर ये बता दिया था कि अगर आप धर्म के लिए नहीं लड़ते हो और अधर्म पूरे संसार में व्यापित हो जाता है चल जाता है तो क्या होगा मानवता का। तो मेरे विचार से जो ये जो थॉट प्रोसेस है सर ये एक्चुअली हमारे ब्रेन के जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं इसका पॉइंट वहीं पे लाई करते हैं क्योंकि बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं जो हमारे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी व्यापक है, जो हमारा ब्रह्मांड है उसका एक छोटा रूप हमारा ब्रेन है एक्चुअली। राइट बिल्कुल ठीक है, ये एक अच्छी बात आपने हमें ध्यान हमारा आकर्षित किया है कि न्यूरॉन्स की ओर जो है हमारा जो है वो सारा ये थिंकिंग का प्रोसेस उससे इनिशिएट होता है। और ये हम सभी एक बात जो उभर कर आ रही है वो ये है कि हमने विचार को मान लिया है कि विचार विषयागत होता है, विषय पर आलंबित होता है, किसी न किसी एक बिंदु पर आश्रित होता है। तो इसका मतलब विचार अपने आप में कुछ ना होकर के एक आश्रय जो ग्रहण करता है वो विचार है, तो कुछ इस तरह की बात आ रही है, लेकिन अभी भी विचार का स्वरूप जो है वो स्पष्ट नहीं है। बेसिकली एनर्जी फ्लो हो गया विचार, मान लीजिए एनर्जी फ्लो हो गया, एनर्जी फ्लो, लेकिन उसको योग के माध्यम से उसको एक एनर्जी कंट्रोलिंग के माध्यम से हमें हमेशा सकारात्मक रूप में ही उसको देखना पड़ेगा। नेगेटिव जैसे हम मान लीजिए मेडिटेशन करना शुरू करते हैं शुरू में 5-7 मिनट तक हमको इसी तरह के विचार दौड़ते रहते हैं फिर हम एक बिंदु में जाके जब कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं तो वही हमारी एनर्जी का फोकस है। जी जी चलिए ठीक है, ये अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जितेंद्र मीना जी, जितेंद्र जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी 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 हाँ जी सर सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, आपका चेहरा नहीं आ रहा और दुनिया भर की चीजें आ रही है, आप इसका अपने तरफ कैमरा अपनी तरफ कर लीजिए, आपने रिवर्स किया हुआ मेरा कल कैमरा। हाँ जी नमस्कार सर सभी को। जी जी सर विचार विचार जो कि हमारे जीवन में सफलता के सबसे बड़े हथियार है, डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी कहा है कि विचारों के युग में पुस्तकें ही छत्रपति शिवाजी होती है, उसके ही महाराणा प्रताप होती है, उसके ही स्वामी विवेकानंद एवं दुर्गादास राठौड़ होती है, क्योंकि ये भी वही शेरनी के शेर थे जिन्हें पुस्तैनी सहारा न होकर एक विचारों का एक स्वाभिमान का सत्यता का इनका सहारा था।
जिनकी वजह से इनका नाम सदियों से पूछता आ रहा है और आगामी वर्षों तक पूछता रहेगा। जी जी ठीक है। हाँ, कलाम साहब ने भी विचारों के युग में फरमाया कि आप अपने अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी अच्छी आदतें निश्चित रूप से आपका भविष्य बदल देंगी। जी ये तो बात ठीक है आपकी। चलिए डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी, आप सर कुछ कहना चाहेंगे, और फिर उसके बाद अगर डॉक्टर मयंक अगर कुछ कहना चाहेंगे, नहीं तो फिर हम इसको समापन की ओर। संजय जी, डॉक्टर जयप्रकाश, हाँ हाँ, चलिए आप कह लीजिए। जयप्रकाश जी बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आप पहले अपनी बात कह लीजिए, फिर जयप्रकाश जी कह ले। देखो, बहुत सुंदर सुंदर विचार आ रहे हैं, और मूल रूप से अगर देखें जो ध्यान आ रहा है, सब कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में व्याप्त एनर्जी है, ऊर्जा है, कंपन है, ये सब मान रहे हैं। और ये भी सत्य है कि 70% ब्रह्मांड मतलब हमें डार्क एनर्जी से भरा पड़ा है, दिखाई भी नहीं दे रहा, जो पकड़ में भी नहीं आ रहा है। चलो, लेकिन हम सब चूंकि उस तरह जैसे एक विद्युत पैदा हुई और हम सब जो है वो विद्युत जो है किसमें लगाई, मोटर में लगाई, मैकेनिकल में लगाई या हीटर में लगाई और या बल्ब में लगाई, क्या निकल के आ रहा है वो एक सेपरेट पार्ट है। हम सब यंत्र हैं जी जी, जो उस ऊर्जा को पकड़ रहे हैं, उस कंपन को पकड़ रहे हैं, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर आता है वो रेजोनेट होता है। हमें एक विशेष चीज दी, विवेक। वो विचार तो आ गया, यानी सूक्ष्म में था, स्थूल बना, स्थूल बन के प्रकट हो गया। अब एक विवेक जो है, जिसके विवेक के बेस पे चूंकि सारा समाज को चला रहे हैं, जो नियम बनाए हैं, प्रकृति बनाई है, जितना कुछ सारा हम लोगों ने की दिखाई दे रहा है सारा, ये उस विवेक का परिणाम है। विचार एनर्जी ऊर्जा हमेशा से रहने वाली है जी, ये रहेगा। आपका परसेप्शन, आपकी जो जनरेशन है वो किस तरीके से उसको पकड़ रही है, किस यंत्र में पकड़ रही है और कैसे उसको विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर रही है, तो ये सारा का सारा दिखाई देता है। उसी से ही सारा आपने निश्चित रूप से हिंदुस्तान ने इतना कमाल किया, हमारे यहाँ के विद्वानों ने, कि राइट, इतने महान ग्रंथ, इतनी गहन पुस्तकें जीवन के बारे में लिखी और उनका हम लोग फायदा ले रहे हैं, समझ रहे हैं उससे आगे। और हमारा होना ये चाहिए, अनफॉर्चुनेट रहा कि बड़े लंबे समय से गुलामी के समय से दिमाग अभी बाहर निकल नहीं पाया, वो विचार, वो ट्रैक्स ऑलरेडी ब्रेन के अंदर है, डीएनए में भी घुसे हुए हैं, धीरे धीरे दोबारा से उसी स्थिति में आने वाला है मुद्दा। तो जैसे थे वैसे उस चिंतन की जो कल्पना, जो विवेक से फाइनली आप लोगों ने प्राप्त की, आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, जब उस तरफ बढ़ेंगे तो ये प्रश्न सोते ही जो है गौण हो जाएंगे। और निश्चित रूप से ये स्पष्ट है, ऊर्जा कहाँ किस यंत्र में आ रही है, किस में रेजोनेट हो रही है। अगर वो योगी के उसमें रेजोनेट हो रही सेम समय में, तो वो कुछ और बोलता है, कुछ और चीजें पकड़ता है, उसमें से निकालता है। गाली देने वाले के दिमाग में आ रही है तो गाली ही निकालेगा उसमें से। तो ये तो आपका यंत्र है, उस यंत्र में उस विवेक का जागरण हो, वो जो महर्षि इफेक्ट है, निश्चित रूप से वो भी वो कंपनी पैदा कर रहे हैं एक विशेष तरह के, और उस कंपन से समाज के अंदर जो है जो भी हो रहा चिंतन में आ रहा है, या जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आपका चिंतन बदल जाता है, आप कहीं फिल्म में जाते हैं तो फिल्म देखने जाते तो आपका चिंतन बदल जाता है, चित्र आपको आपके अंदर जो होने वाले विचारों को बदल रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी ये नहीं सुपर ह्यूमन बींग आप लोग बैठे हुए हैं, तो वो चीजें पैदा करते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं, है सब कुछ ब्रह्मांड में मौजूद और आपके साथ उसका इंटरेक्शन है, और उसी का परिणाम ये सारा सारा जो जगत है आपके पास दिखाई दे रहा है। आभार, धन्यवाद जी। डॉक्टर जयप्रकाश जी, और उसके बाद डॉक्टर बी एस राजपूत जी, और फिर हम इसको समापन की ओर चलेंगे। जी, सभी विद्वान विदुषियों को नमन। विचार के विषय में जो आधुनिक चिंतन जिस प्रकार से बात ब्रेन की, न्यूरॉन्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो सब बातें हो रही हैं, उनके स्थान पर मुझे लगता है कि हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान का केंद्र है वो मन है, वो बात जो बात समझ में आती है।
और मन को छठी इंद्रिय भी माना है और मन को सभी इंद्रियों का नियंता भी माना है। तो मन से ही, मन में ही विचार उठेंगे, किंतु वो विचार कैसे होंगे, विचारों की प्रकृति क्या रहने वाली है, वो निर्भर करता है हमारे पर्यावरण पर। हम जिस तरह के वातावरण में हैं उस पर वो बहुत अधिक निर्भर करता है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो क्या कैसे विषयों को ग्रहण कर रही हैं, उनके अनुसार ही मुझे लगता है हमारे हमारे जो विचार हैं उनका जन्म होता है और उसका उसी प्रकार से फिर जो कर्मेंद्रियां हैं वो उसी प्रकार से मन में उठते विचारों के ही अनुरूप वो आचरण करती हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए विचार के विषय में चिंतन करते हुए मुझे लगता है मन को समझना और मन को माइंड के रूप में समझना नहीं, मन को मन के रूप में ही समझना और मन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में मन को जैसे परिभाषित और व्याख्यायित किया गया है उस प्रकार से जब हम समझेंगे तभी विचारों के प्रति मुझे लगता है थोड़ी बहुत स्पष्टता आ पाएगी। बस इतना ही फिलहाल। चलिए ठीक है। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी बात है और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि चेतना के बिना विचार नहीं हो सकते। तो चेतना उसका एक आवश्यक धर्म या गुण आप कह सकते हैं। तो डॉक्टर बी एस राजपूत जी, आप सर कुछ कहना चाहेंगे या डॉक्टर राजेंद्र कंबोज जी? और फिर मैं एक बार तो पुनः आग्रह करूंगा प्रोफेसर जीवन आशा जी को, यदि वो हमारे साथ एक संक्षेप में अपनी बात रखें तो बहुत अच्छा रहेगा और फिर कंक्लूड करें इसको। बी एस राजपूत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर या राजेंद्र कंबोज? चलेगा। ओके ओके, चलिए ठीक है जी। मैडम जी बना सर, एक बात मैं कह देना चाहूंगा कि अभी जो जितने विमर्श हुए हैं, शंकराचार्य का एक श्लोक मुझे याद आया, मन एवं मनुष्यानां कारणं बंधन मोक्ष, क्योंकि मन में दो प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं और मन ही उसके बंधन का भी कारण है, विनाश का भी कारण है और संपूर्ण समाज के उत्स का भी कारण है, उसके विकास का भी कारण है। इस कारण ही बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार, एक प्रकार की बात कही, इसे पतंजलि ने कहा है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, और बुद्ध कहते हैं कुशल चित्तस्य एकाग्रता समाधि। शुभ विचारों को अगर एकाग्र अगर हम करते हैं तो ये संपूर्ण जितनी बातें हुई है उसको एक बात में हम यही कह सकते हैं कि अगर अपने सारे शुभ विचारों को संयोजित करते हैं तो हमारा तो विकास होगा ही और हमारे विचारों के आभा से वो समाज का भी विकास संभव हो पाएगा। मेरे को तो एक ही लाइन में ये कहना है कि मन का जो कार्य है वो संकल्प और विकल्प उठाना है और बुद्धि का कार्य जो है उस पर निर्णय करना, ये इतना तो हमें ध्यान निर्णय करना। जी जी जी, प्रोफेसर जीवन आशा जी, मैडम अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बहुत अच्छे से सबने अपने विचार प्रकट किए हैं, गीता के माध्यम से, बौद्ध के माध्यम से, विचारों की आदान प्रदानता की बात भी हुई कि जब, और चिंतन का विषय है, मन का विषय है, तो ये सब चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। और विचार का दान प्रदान करने से हम सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। उससे पहले जैसे सृष्टि की बात की कि ईश्वर की इच्छा हुई और उसने एक सृष्टि की रचना कर दी, उसको उसने चाहा कि एक से दो हो जाऊं, एक से अधिक हो जाऊं, तो मुझे उससे सृष्टि की रचना हो गई, ये भी उनका एक ईश्वर का विचार आया।
तो सृष्टि की उन्नति हो गई। तो इस तरह से हमने समाज में संसार में जो जीवन प्राप्त किया और फिर विचारों का आदान प्रदान शुरू किया, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति का प्रयास करने का कोशिश की, तो सकारात्मक दृष्टिकोण नकारात्मक दृष्टिकोण दोनों ही हमारे सामने होते हैं। तो वो दृष्टिकोण जो है वो तभी फल लाते हैं यदि हम आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान देते हैं। तो अंदर से जब हमने अपने आप को विचारों के माध्यम से संतुष्ट किया, उनको अच्छे से संभालने की कोशिश की, क्योंकि हम दूसरों के लिए तभी कुछ कर सकते हैं यदि हम अपने लिए कुछ अच्छा सोच पाते हैं। तो अपने लिए सोचने के लिए साथ साथ आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। तो आत्मिक उन्नति के द्वारा ही हम, जैसे अभी चित्तवृत्ति निरोध है, योग की बात भी हुई, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें अपने विचारों को जन समुदाय में लाने से पहले उस पे विचार विमर्श करते हुए, मन के साथ चिंतन करते हुए, इस प्रकार से आत्मिक उन्नति को करते हुए हमें विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद मैम, आपने अपने विचार हमारे साथ साझे किए। राजपूत जी, प्रोफेसर बी एस राजपूत जी। जी सर। हेलो जी सर। चलिए, वो लेफ्ट हो गए, मुझे लगता है कि कुछ उनसे हो गया। डॉक्टर मयंक आनंद, डू यू विश टू शेयर? यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मयंक। डॉक्टर मयंक जी। यस सर, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस यस, परफेक्टली। वेल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, नाउ इट्स ऑलरेडी गुड आफ्टरनून, इट्स 12:01। ओके, मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा ओशो और दीद्रो के एंगल से सर, जितना भी मैंने सुना जी। और थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की भी बात चल रही थी, तो विचार तो चलता ही रहता है। अब उसमें सकारात्मक विचार भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, वो भी इसलिए होते हैं बिकॉज समवेयर वी हैव बीन कंडीशन्ड, यू नो, टू थिंक इन बाइनरीज, अच्छा बुरा, अच्छा विचार बुरा विचार, नकारात्मक विचार सकारात्मक विचार। विचार चलते हैं और कहीं आवश्यकता होती है उनका अवलोकन करने की, वी जस्ट कीप ऑन, यू नो, ऑब्जर्विंग दैट ट्रेन ऑफ थॉट्स। और जैसे दीद्रो कहते हैं कि मैन इज गुड बाय नेचर, अब वहां पर रोल आता है थोड़ा सा अवेयरनेस का, सजगता का। एंड बिकॉज मैन इज गुड बाय नेचर, और अगर वो अपनी नेचर को फॉलो करता है, तो ऐसी स्थिति में वो केवल जिनको हम सकारात्मक या सही विचार कहते हैं उन्हीं का चयन करता है। तो कहीं आवश्यकता है अवलोकन की, ऑब्जर्वेशन की और अवेयरनेस की, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक सजगता जो है वो विचार के लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। अगर सजगता नहीं है तो फिर तो जो है वो विचार जो है उसका मतलब वो विचार आप पे हावी हैं, आप विचार को नियंत्रित नहीं कर रहे। तो सजग होकर विचार, बहुत सी ऐसी स्थितियां घटी हैं जीवन में जहां पर चयन करना था, नकारात्मक विचार भी थे सकारात्मक भी थे, बट वो महज अवेयरनेस है, महज ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल नहीं, मुझे मतलब ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति कभी एक गलत चुनाव नहीं कर सकता, because he is good by nature, it is ingrained in our beings। बहुत सुंदर पॉइंट है ये कि अगर सजगता से विचार करेंगे तो फिर वस्तुतः विचार होता है, अन्यथा जो है वो विचार जो है वो एक कंपल्शन, एक इंस्टिंक्ट की तरह काम करता है और वो खतरनाक हो सकता है। जी राजपूत जी सर, आप अपनी बात संक्षेप में रखें, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं इस सारे विषय को। अनम्यूट करें सर अपने को, नीचे माइक का निशान बना है। हाँ जी, हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं पूरा तो नहीं सुन पाया लेकिन जितना सुना इसका प्रभाव मन पर पड़ा जी। मेरी सोच है कि मनुष्य के मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक और चित्त, ये पांच जो एलिमेंट है इनका रोल बिल्कुल अलग अलग है जी। मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक और चित्त,
लगभग एक ही संदर्भ में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन मन को नियंत्रण बुद्धि करती है, बुद्धि को नियंत्रण चेतना करती है। बुद्धि का नियंत्रण जब मन पे होता है तभी मन इंद्रियों से हट करके और सकारात्मक काम में लगता है। तो चिंतन जो है, चिंतन और तर्क विवेचना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं और इनका संबंध मन मस्तिष्क बुद्धि विवेक इनके साथ है और चित्त को प्रसन्नता उससे होती है। तो मेरी सोच है कि मन की व्याख्या अलग की जाती है, मस्तिष्क की अलग, बुद्धि की अलग, विवेक की अलग और चित्त की अलग होती है। जी, और जो विचार की बात आती है तो अगर तर्क संगत विचार है तो बुद्धि का विषय है, तर्क मन का विषय तर्क नहीं है, तर्क बुद्धि का विषय है। इसी प्रकार विश्लेषण की बात जब आती है, जिसमें विश्लेषण हो तो उसमें विवेक चाहिए और विवेक ही बुद्धि को भी ज्ञान देता है कि अच्छा अच्छा है का बुरे का। तो इस प्रकार से मन मस्तिष्क बुद्धि विवेक और चित्त, इन पांचों को अलग अलग करके अगर सोचेंगे तब हम विचार पर अच्छी तरह से बात कर पाएंगे, मंथन पर, विचार पर, तर्क पर और व्याख्या पर और विशेषण। ये मेरी सोच है। जी जी, बहुत सही है। वैसे संस्कृत साहित्य में जो है वो 11 आपको इस विषय में जो है वो भाग मिलते हैं, जिसमें मेधा भी है, धी भी है और बाकी और बहुत सारे शब्द हैं। तो लेकिन उस पर फिर अगली बार चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आनंद गुरिये जी को। राजेंद्र कंबोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? राजेंद्र जी, कुछ आपका अपना को वक्तव्य है? चलिए आनंद जी, आप अपने लास्ट कंक्लूडिंग बात हमारे साथ साझी करें और उसके बाद फिर अविनाश जी का एक अंतिम टिप्पणी लेकर के हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। नमस्कार जी। रिगार्डिंग द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ थॉट, रिगार्डिंग सर, आवाज थोड़ी कम है आपकी, प्लीज या तो माइक को थोड़ा पास कर लीजिए। यस, अभी आ रही है? यस यस, नाउ लाउड एंड क्लियर। रिगार्डिंग द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ थॉट एंड इनसफिशिएंसी, आई विल पुट इट दिस वे दैट इन फिलोसॉफी वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस एंड फिलोसॉफी। इन फिलोसॉफी द थॉट इज इंडिस्पेंसिबल, थॉट होनी ही चाहिए, बट इन साइंस थॉट इज इनसफिशिएंट बिकॉज साइंस डज नॉट गो विथ थॉट, साइंस गोज विथ डेमोन्स्ट्रेशन। तो जहाँ पे विचार खत्म होते हैं वहां से साइंस चालू होता है, और जैसे फिलोसॉफी इज कंसर्न विथ शब्द वेयर एज साइंस इज कंसर्न विथ दर्शन। दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि विज्ञान का आधार तो विचार ही है, कल्पना और विचार ये दो मिले जुले से शब्द होते हैं, और कई बार तो ऐसे लगता है कि कल्पना का अनुसरण विज्ञान कर रहा होता है और विचार के माध्यम से कर रहा होता है। तो जहाँ डिजाइनिंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, वहाँ विचार तो आता ही है। लेकिन फिर भी इसको अगली बार तीसरे भाग में इन इश्यूज को लेंगे, जहाँ पर हम विचार की सूक्ष्मता में जाने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विचार जो है वो चेतना उसका मूल है, लेकिन वो चेतना कैसे विचार में अभिव्यक्त होती है और कैसे वो एनर्जी में परिवर्तित होती है, उन सब विषयों पे अगली बार विचार करेंगे। लेकिन बहुत संक्षेप में टिप्पणी के लिए श्री अविनाश जी। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर आनंद जी ने कहा, मैं उनकी बातों से बहुत हद तक सहमत भी हूँ। लेकिन बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही है, चेतना हम भिक्खवे कम्मंग बदामि, विचार ही हमें कार्य की ओर प्रेरित करते हैं, वह कार्य या विज्ञान का हो या समाज का हो। और उन्होंने जो कहा कि जहाँ पर दर्शन समाप्त होता है वहां से विज्ञान आरंभ करता है, मेरी उसकी उल्टी मान्यता है कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहां से दर्शन ही आरंभ होता है, क्योंकि दर्शन विज्ञान की भी एक सीमा होती है और उस सीमा के आगे वह चलने के लिए उसे कल्पना प्रसूत प्रत्ययों की आवश्यकता होती है, विचार की आवश्यकता होती है, और इन सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। जब तक उसका मन संकल्पित नहीं होता है, परिमार्जित नहीं होता है और नियंत्रित नहीं होता है,
न तो वो विज्ञान कर सकता है न वो दर्शन कर सकता है। इसलिए मैंने इसके पहले एक श्लोक बताया था शंकराचार्य का, मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्ष। यहाँ बंधन मोक्ष परमार्थिक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। कारणं बंधन मोक्ष का तात्पर्य है कि हम कोई भी दर्शन हो या विज्ञान हो, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसका अभ्युदय होता है और दुख दूर करने के लिए ही उसका अभ्युदय होता है। क्योंकि सर्वम दुखम की स्थिति से सर्वम सुखम की स्थिति की जब हम ले जाते हैं तो वो ले जाने का कार्य दो प्रकार से होता है। हम अपने संसाधनों को ये उन्नत करते हैं, उसके लिए भी विचार की अपरिहार्यता है, दर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि उसे राइट डायरेक्शन में ले जाना है। साथ ही अपने मन को अनुकूलित कर अध्यात्म की ओर भी अगर हम जाते हैं उसमें भी मन को परिमार्जित परिष्कृत और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है अपने विचारों को नियंत्रित करने की। और बड़ी अच्छी बात आशुतोष जी ने की है कि हमारे बीच में दो प्रकार के विचार प्रवाहित हो रहे हैं, एक नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव। कैसे इन दोनों का समन्वय हो सके और कैसे हम निगेटिविटी को पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं, इसके लिए भी विचार की अपेक्षा है। और वह विचार हमें समृद्ध मस्तिष्क से ही मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें, बड़ी अच्छी बात कृष्ण ने कही है गीता में, जब सारा प्रश्न अर्जुन उनके सामने कहता है कि मैं युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, उसे कर्तव्य बोध भी है और एक इमोशन की ओर खींच भी रहा है, तो उन्होंने कहा अशोच्यान व शोचस्त प्रज्ञावादाश्चंग भाष से गतासूचंग नानो सूचंती पंडिता। और तब धीरे धीरे उसकी प्रज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि यथा इच्छसि तथा करु, जो तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करो। ठीक उसी प्रकार विज्ञान अगर हमें विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि दर्शन जो है विज्ञान के ऊपर नियंत्रण डालने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारा चिंतन दो प्रकार से प्रभावित होता है। हम अणुओं का प्रयोग या आणविक विस्फोट विद्युत उपकरण को संचालित करने के लिए भी कर सकते हैं, बिजली की आपूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, और महानाश की परिकल्पना भी उसी के आधार पर हो जाती है। आवश्यकता है विचारों से इस प्रकार उसे नियंत्रित करें, दर्शन से इस प्रकार नियंत्रित करें कि वह विज्ञान अपनी सकारात्मक भूमिका में आवे। और यही अभी युग की मान्यता है, यही अभी हमारा युग धर्म होना चाहिए कि अपने विचारों से समस्त विज्ञान हो, समाज हो, देश हो और समस्त परिवेश को हम संचालित करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः सबों को सम्मान करते हुए मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। और आप सभी जो विद्वान योग्य जन सुधी जन हमारे साथ जुड़े और अपने अपने विचार और विचार के विषय में जैसे जैसे आपके अपनी सोच है, जैसे आपकी मान्यता है, जैसे आपके अनुभव हैं, उनको आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए मैं अपने सभी साथियों की ओर से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों से चर्चा करके हमारे जो विचार के प्रति दृष्टि है उसमें कई नए विषय उभर कर आए हैं। एक तो ये विचार और चेतना के संदर्भों को देखना और विचार का अपना स्वरूप जो है वो सजगता के साथ कैसे हो, इस विषय को भी देखना है। विचार की अपनी वृत्तियां क्या हैं और विचार खड़ा कहाँ होता है, ये सारे विषयों को हमें देखना और समझना होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम निश्चित रूप से अगली बार पुनः चर्चा को आरंभ करेंगे और योग की दृष्टि से भी देखेंगे। जहां पर चित्त वृत्ति की बात करते हैं और योग में जो संप्रज्ञात समाधि है, वो संप्रज्ञात समाधि के दो भाग हैं, जहां पर एक सविचारा संप्रज्ञात समाधि और निर्विचारा है, तो उनके क्या अर्थ हैं और वहां पर विचार को कैसे लिया गया है, इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से हमारे साथ आप सभी लोग जुड़ते रहें और हमें ये मौका देते रहें कि हम इन विषयों को समझ पाए आप लोगों की सहायता से, क्योंकि ये विषय कई बार लगते तो ऐसे ही हैं कि जैसे हमें पता ही है, इसके बारे में क्या जानना। तो अति परिचय के कारण ऐसे जो अनुभव होते हैं उसके बारे में अपनी अज्ञानता का बोध आप लोगों से हमें होता है, तो इसीलिए आप लोग विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग हमें सजग करते हैं,
हमें दिशा निर्देश देते हैं और हमारी दृष्टि को विकसित करते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों का पुनः पुनः आभार, और आप में से जिन लोगों ने फॉर्म ना भरा हो तो प्लीज अपना लिंक शेयर किया हुआ है उसको आप भर दीजिए, और फिर इसके बाद हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर भी, और इस विषय को हम फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये हमारी इच्छा ये है कि इसको 5 भागों में हम पूरा करें और जितने भी आयाम हैं उनको हम पकड़ें, क्योंकि अभी जो आज का हमने मूल विषय लिया था वो ये था कि साइकेट्री में इन विचारों को कैसे देखा और समझा जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब स्वयं अस्वस्थ हो गए तो इसलिए वो बात पूरी नहीं हो पाई उनके साथ, तो इस विषय को हम फिर दोबारा से देखेंगे और समझेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग छोड़ सकते हैं, मीटिंग समाप्त कर सकते हैं। जी नमस्कार, जी नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार।